आज हम देखेंगे कि जियो लोकेशन HTML5 में कैसे यूज करते हैं। एक यूजर का करंट लोकेशन हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर एंड HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली मुझे किसी ने कमेंट में सॉरी इंस्टाग्राम पे पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, आप देख लो, आपको बस 5 मिनट में समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आलसी कोडर्स एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एक यूज़र का हम उसका एक्चुअल लोकेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्राउज़र इन HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा होगी नहीं इसमें, सो बेसिक फंक्शन होगा जिससे हम लोकेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये है अपना VS कोड और ये ब्राउज़र पे मैंने एक फाइल रन की है HTML वाली, index.html। तो इसमें मैं अभी क्या करूँगा, एक बटन ले लेता हूँ सिंपल सा जिस पे हम एक फंक्शन रन करेंगे। ऑन क्लिक पे हमें क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। तो गेट लोकेशन नाम से एक मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, उसको नाम देता हूँ गेट लोकेशन। डन, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। गेट लोकेशन का बटन आ गया और लोकेशन हमें डिस्प्ले करना है। सपोज़ यहाँ पे हैश डेमो में, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में हमें लोकेशन डिस्प्ले करेंगे इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मोड। ठीक है, जस्ट नंबर्स लेंगे हम लोग। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे यूज़र लोकेशन इज़, यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ यूज़र लोकेशन इज़। जब यहाँ पे लोकेशन आएगा एक्चुअल में यूज़र लोकेशन इज़, ये जो वर्ड्स हैं वो निकल जाएंगे और यहाँ पे एक्चुअल हमें यूज़र का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लेते हैं। स्क्रिप्ट आप हेड टैग में भी लिख सकते हो या तो बॉटम में कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। फिर फंक्शन फंक्शन गेट लोकेशन देन फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया गेट लोकेशन। आप फंक्शन आपका वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे अलर्ट भी दे सकते हो, गेट लोकेशन सॉरी गेट लोकेशन फंक्शन। मैं जब इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, गेट लोकेशन फंक्शन। ओके, मतलब वर्क तो हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, वो ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ़ में navigator.navigator.geolocation मैं चेक करूँगा है या नहीं है। तो मैं यहाँ से लोकेशन ले लूँगा, नहीं है तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी अपनी है डेमो, उसमें डॉट इनर एचटीएमएल में क्या करूँगा मैं, जियो लोकेशन नॉट सपोर्टेड। आपके ब्राउज़र को जियो लोकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस हमें ये प्रिंट करना है क्योंकि कोई जो आउटडेटेड ब्राउज़र्स होते हैं उन्हें लोकेशन का जो फंक्शन है या APIs हैं HTML5 के वो वर्क नहीं होते। ठीक है, योर ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड जियो लोकेशन। ठीक है, मैं बस रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे और गेट लोकेशन करता हूँ। ठीक है, वो टेक्स्ट तो प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब ये वर्क हो रहा है। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन है तो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन फंक्शन डॉट गेट करंट पोजिशन, गेट करंट पोजिशन। ठीक है, गेट करंट पोजिशन, यहाँ पे हमें करंट उसकी पोजीशन मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि शो पोजीशन नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक अलग से फंक्शन जो कि बस वो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे कहाँ पे, डेमो आईडी यानी उस पैराग्राफ में, यहाँ पे हम लोगों प्रिंट करेंगे। तो एक अलग से फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन नेम शो पोजिशन और ये अपना होगा फंक्शन रेडी। बस इसमें हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी है, डेमो, डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पहले प्रिंट करना है। उसमें जो लैटिट्यूड आएगा ये टेक्स्ट आ रहा है, फिर वैल्यू हमें कैसे लेनी है उसकी, कि पोजीशन, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स, कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, डन। पहले ये तो आता है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश कर लेता हूँ। गेट लोकेशन, लोकेशन पूछा मुझे, पहले यूज़र को लोकेशन अलाउ करने के लिए पूछेगा, अलाउ करेगा तो ही हमें उसका लोकेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैंने अलाउ कर दिया, फिर अलाउ करने के बाद यहाँ पे लैटिट्यूड नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मैं एक बार और एक बार रिफ्रेश करके ट्राई कर लेता हूँ। गेट लोकेशन अलाउ यूज़र लोकेशन इज में, वहाँ पे लैटिट्यूड नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो चीज़ें गलत हो गई है, अपनी ओर से चेक कर लेते हैं हम लोग। पोजिशन कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, पोजिशन डॉट, पोजिशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इनर एचटीएमएल, डेमो में डेमो आईडी बराबर है, ये भी बराबर है। इस फंक्शन में आ रहे हैं कि नहीं हम लोग, ये तो चेक कर लेते हैं एक बार। अलर्ट, इससे अच्छा मैं कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इन शो पोजीशन फंक्शन, ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में हम चले जाएंगे, कंसोल में रिफ्रेश, गेट लोकेशन अलाउ किया, इन शो पोजीशन फंक्शन में आ गए। उसके बाद एक एरर आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, पोजीशन नॉट डिफाइंड बोल रहा है, पोजीशन नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, यहाँ से हमने जो पोजीशन पास की हुई है वो पोजीशन हमने यहाँ पे ली नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड अभी आना चाहिए 100%, क्योंकि पोजीशन हमने यहाँ से पास की थी लेकिन यहाँ से कलेक्ट नहीं की थी हमने इस फंक्शन में। तो रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद फिर से गेट लोकेशन अलाउ, अलाउ करने के बाद एरर तो नहीं आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, ओके। इन शो फंक्शन में हम लोग चले गए, फिर लैटिट्यूड हमें मिल गया। उसके बाद उसी तरह सेम हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक मैं यहाँ पे BR दे देता हूँ, मुझे नीचे चाहिए बोल के, लॉन्जिट्यूड, 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 ठीक है। देन प्लस यहाँ पे पोजिशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्जिट्यूड, डन। फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, गेट लोकेशन यूज़र ने अलाउ किया, देन यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों हमें मिल गए। यहाँ पे इन शो फंक्शन हमारा प्रिंट भी हो रहा है, मतलब इस सेकंड फंक्शन में हम लोग आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र का करंट लोकेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू।